हेलो फ्रेंड्स, किरण क्रिएटिव क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मीडियम साइज का एक मजबूत और सुंदर ट्रेवल बैग बनाने सिखाऊंगी। देखिए, इसमें इधर एक साइड पॉकेट बनाई हूँ और एक इधर साइड पॉकेट बनाई हूँ। और देखिए, ये मेन पॉकेट है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें लगभग 3 मीटर का बेल्ट लगा है। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ट्रेवल बैग बनाने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं ये बेकार पड़ी हुई पैंट पीस से ट्रेवल बैग बनाने सिखाऊंगी। इस पैंट पीस में लगभग 1.5 मीटर कपड़ा है। अच्छा इस पैंट पीस से एक बड़ा और एक छोटा बैग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, पैंट के कपड़े से ये पीस कटिंग करी हूँ। देखिए, इसका लंबाई है 30 इंच और चौड़ाई है 20.5 इंच। देखिए, नीचे अस्तर है, बीच में कैरी बैग है। आप कैरी बैग के जगह फोम भी ले सकते हैं। ऊपर से मेन कपड़ा है, इसको इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको क्विल्ट करने में परेशानी होती है तो सुई धागे से इस तरह कच्चा सिलाई कर लेंगे। इस तरह कच्चा सिलाई कर लेने से क्विल्ट करने में आसानी होती है। पूरा कपड़ा इसी तरह थोड़ा थोड़ा गैप देकर सिलाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े में थोड़ा थोड़ा गैप देकर इस तरह से कच्चा सिलाई लगा ली हूँ। इसके बाद कपड़े को इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, देखिए, कपड़े को क्विल्ट कर ली हूँ। इसके बाद इसमें बेल्ट लगाएंगे। इधर से 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस साइड भी सेम इसी तरह से इधर से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इधर भी 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड भी 4 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। यहाँ भी 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, बेल्ट को लंबाई में इस तरह से रख लेना है। देखिए, ये लाइन ड्रॉ किए हैं, इसी के ऊपर बेल्ट को रखना है। बेल्ट को इस तरह से पिन अप कर लेना है, इसे सिलाई करने में आसानी होती है। इधर भी बेल्ट को लाइन के ऊपर रखकर पिन अप कर लेना है। फ्रेंड्स, देखिए, ये बेल्ट का जो किनारा है, इसको मैं माचिस से थोड़ा सा जला ली हूँ, इसे धागा नहीं निकलता है। इसको भी यहाँ से इस तरह पिन अप कर लेना है। इसके बाद दोनों किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट सिलाई कर ली हूँ। यहाँ पर इस तरह से पक्की सिलाई लगा देना है, इसे बैग मजबूत बनता है। चारों कॉर्नर पर पक्की सिलाई लगा देना है। इसके बाद बैग का साइड पॉकेट बनाएंगे। इसके लिए ऐसा 2 पीस कपड़ा लेंगे। इसके नीचे भी अस्तर और बीच में कैरी बैग रखकर इसको भी क्विल्ट कर ली हूँ। दोनों पीस को क्विल्ट कर ली हूँ। देखिए, इसका चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 10 इंच। दोनों पॉकेट सेम साइज का है। इसके बाद एक पीस लेंगे, इसमें जिप लगाएंगे। इसके लिए यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क लगाएंगे
और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए ये जीप है, कपड़े के ऊपर इस तरह से जीप को उल्टा रख लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगा दी हूँ, ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद ये 2 इंच के कपड़ा कटिंग किए हैं जीप के ऊपर, इस तरह से रख कर इसको भी सिलाई लगा देना है। देखिए जीप सिलाई कर ली हूँ, ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद इसमें लॉक डालेंगे, जीप को इस तरह से खोल लेना है। लॉक डालने के लिए मैं फॉर्क यूज करूँगी। देखिए ये लॉक है, इसको फॉर्क में पीछे साइड से इस तरह फंसा लेना है। इस तरह से लॉक में जीप को डाल लेंगे। फिर इस तरह से देखिए इसमें लॉक लग गया। देखिए कितना आसानी से फॉर्क से जीप में लॉक डाल दिए। दूसरे साइड पॉकेट में भी सेम इसी तरह से जीप सिलाई कर लेना है और ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा देना है और लॉक भी डाल लेना है। इसके बाद एक ऐसा अस्तर लेंगे, अस्तर के ऊपर एक साइड पॉकेट को रखकर चारों साइड से सिलाई लगा देना है। देखिए चारों साइड से अस्तर सिलाई कर ली हूँ। इस तरह से एक साइड पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। दूसरे पॉकेट में भी सेम इसी तरह से अस्तर सिलाई कर लेना है। देखिए दूसरा साइड पॉकेट भी बनकर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स इसका लंबाई है 30 इंच, तो इसके सेंटर में 15 इंच पर मार्क लगा लेना है। इसके बाद एक साइड पॉकेट लेंगे। देखिए ये जीप है, इस साइड से नहीं, इसके नीचे साइड से सेंटर से फोल्ड करके मार्क लगा लेंगे। देखिए ये जो 15 इंच पर मार्क लगाए हैं, देखिए जीप वाला साइड इधर है, इसके ऊपर ये जो साइड पॉकेट में मार्क लगाए हैं यहाँ इस तरह से रख लेना है, यहाँ सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से 15 इंच पर सेंटर में मार्क लगा लेना है और दूसरे साइड पॉकेट में भी नीचे साइड से सेंटर से फोल्ड करके और मार्क लगा लेना है। इसमें भी जिप इस साइड रहेगा और जो मार्क लगाए हैं ये मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ और इस साइड भी सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इसको इस तरह से पकड़कर, ये जिप है, यहाँ से पकड़कर इस तरह सिलाई लगा देना है। इधर भी ये जिप है, यहाँ से पकड़कर सिलाई लगा देना है। इस साइड भी सेम इसी तरह से ये जिप है, यहाँ से पकड़कर सिलाई लगा देना है। इधर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए पॉकेट सिलाई कर दी हूँ, इस तरह से ये पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइड भी पॉकेट सिलाई कर ली हूँ, इधर भी पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका फ्लैप बनाएंगे। देखिए बैग का चौड़ाई 20.5 इंच है और पॉकेट का चौड़ाई है 10 इंच। यही लंबाई चौड़ाई फ्लैप के लिए लेना है। देखिए फ्लैप बनाने के लिए एक ऐसा कपड़ा लेंगे। देखिए इसका चौड़ाई 20.5 इंच है और लंबाई 10 इंच है। देखिए इसमें भी बीच में कैरी बैग, नीचे अस्तर है, ऊपर से मेन कपड़ा रखकर क्विल्ट कर ली हूँ। देखिए ये बैग का फ्लैप है, इसमें इधर से 1.5 इंच पर मार्क लगाना है। इसी तरह 1.5 इंच पर मार्क लगा लेना है और इधर भी 1.5 इंच पर मार्क लगा लेना है। फिर यहाँ पर
एक इंच पर यहाँ इस तरह से राउंड शेप में मार्क लगा लेंगे। इधर भी एक इंच पर राउंड शेप में मार्क लगा लेंगे। इसके बाद जो मार्क लगाए हैं इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ राउंड शेप में कटिंग करना है। इधर से भी कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग कर लिए। इसके बाद इसमें जीप सिलाई करेंगे। देखिए जीप को कपड़े के ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेना है। पूरे फ्लैप में इस तरह से रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए जीप सिलाई कर ली हूँ। ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। ये जो कपड़ा 1.5 इंच के कटिंग करके निकाले हैं जीप के ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए इधर राउंड शेप में अच्छे से रखकर सिलाई लगा देना है। यहाँ तक सिलाई लगा देना है। देखिए जीप सिलाई कर ली हूँ। इसमें लॉक भी डाल दी हूँ और ऊपर से बैठने वाला सिलाई भी लगा दी हूँ। इसके बाद फ्लैप बैग में सिलाई करेंगे। देखिए ये फ्लैप है, ये बैग का पॉकेट है। यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देना है। इसको इस तरह से पकड़कर इधर भी सिलाई लगा देना है। इसी तरह से चारों साइड फ्लैप को सिलाई कर लेना है। देखिए चारों साइड फ्लैप सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद पाइपिंग लगाने के लिए एक ऐसा कपड़ा ली हूँ। देखिए इसका चौड़ाई 2 इंच है। देखिए ये जो धागा निकल रहा है पाइपिंग लगाने से ये धागा नहीं निकलता है। देखिए कपड़े को इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। पूरे बैग में इसी तरह से पाइपिंग सिलाई कर लेना है। देखिए चारों साइड पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। इधर पॉकेट में भी पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ और दूसरी साइड भी पॉकेट में पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स बैग सीधा कर लिए। देखिए इसमें काफ़ी स्पेस है, बहुत सारा सामान रखकर आप ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए एक साइड पॉकेट इधर है और दूसरा साइड पॉकेट इधर है। फ्रेंड्स देखिए मीडियम साइज का ट्रेवल बैग बनकर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।